हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉपिक देख के आप लोगों को पता लग गया कि वीडियो किस चीज़ पे है। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी ये, योर बैग कलेक्शन, व्हाट्स इन योर बैग। सो राइट नाउ आई एम इन मैक्लोडगंज एंड मेरे बैग में एक्चुअली आज कुछ गिर गया था। अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग नहीं देखे तो देख लो, उसमें मैंने सब कुछ मैंशन किया था। तो उसे क्लीन करते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे बैग में बहुत कुछ है एंड काफ़ी डिमांडिंग थी ऑलरेडी ये वीडियो। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते। सो ये वो बैग है जो काफ़ी लोगों ने मेरी इंस्टा पोस्ट पे भी मुझसे पूछा है कि कौन सा बैग है ये। आई गेस 2018 की कलेक्शन है, फॉरएवर 21 की, एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स, लाइक इजी टू कैरी। जैसे कह दो कि इसके नीचे ऐसे टायर्स हैं सो दैट मुझे इसे उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बैग्स नहीं होते। अलादीन का पिटारा होता है उसमें, इतना कुछ होता है कि नॉर्मल, जैसे अगर मैं अपना बैग वॉशरूम जाते हूँ, अपनी मदर इन लॉ, अपनी मदर को, किसी को भी पकड़ा दूँ तो वो लोग कहेंगे कि क्या भरती है तो इसमें। सो एग्जैक्टली मेरे लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। काफ़ी पुराना हो चुका है बट इसे मैं नहीं फेंकती और ना ही ये ख़राब हुआ है। मेरे आज तक के सबसे बेस्ट बैग में से अगर मैंने किसी पे इन्वेस्ट किया तो वो ये बैग है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। इस जादू के पिटारे में क्या क्या है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, स्किप कर सकते हो जब करना हो, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें। लेट्स स्टार्ट। ओके सो इस वीडियो के लिए मैंने कुछ तामझाम सेट नहीं किया, जैसा था एज इट इज सब कुछ वैसा ही है। सो इसे नीचे रखने में बहुत भारी है। इसमें जो पहला पाउच आता है वो है ये आई गेस मैंने H&M से लिया हुआ है अपनी वेडिंग कलेक्शन के बीच में। इसमें मेरा सारा स्किन केयर होता है। सो आई शो यू, इस टाइम मेरे पास ट्रैवल पैकिंग होगी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, अदरवाइज इसकी तो फुली है। दिस इज़ माई बायोटिक नाइट क्रीम। काफ़ी लोग पूछते हैं नाइट क्रीम में क्या यूज़ करते, दिस इज द बायोटिक। और अपनी हर चीज़ का जिसका मुझे लिंक मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में देती रहूँगी। सो फर्स्ट नाइट क्रीम, सेकेंड मेरा पिक्सी का ओवरनाइट ग्लो सिरम। ओके नाम्या का लिप बाम, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया था, स्पेशली जब आप लिपस्टिक लगाते हो उससे पहले से यूज़ करो, ये बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड भी इसे यूज़ करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ लिपस्टिक बट बहुत अच्छा है ये, एकदम इंस्टेंट लिप्स को सॉफ्ट करता है। यूज़ करो, थैंक यू कहने आओगे बाद में। एलोवेरा, ये मैं सुबह यूज़ करती हूँ तो ये मस्ट है मेरे लिए। टी ट्री ऑयल, मेरे बैग में बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। वैसलीन की छोटी डब्बी, विटामिन ई, वैसलीन कोको ग्लो, ये मेरा फेवरेट है स्पेशली समर्स और विंटर्स दोनों में, विंटर्स में ज़्यादा फॉर फुल बॉडी। आई यूज दिस ओनली फ्रॉम आई गेस माई स्कूल टाइम। या निविया हैंड क्रीम, ये सारी मोस्टली मैं हैंड क्रीम्स में यूज़ करती हूँ इसलिए मेरे बैग में है। ये भी हैंड क्रीम, दो हैंड क्रीम हो गई। सिटाफिल, ये एक्चुअली फेस एंड बॉडी दोनों के लिए है बट मैं इसे सिर्फ हैंड पे यूज़ करती हूँ, फेस पे मुझे इसे यूज़ करने से पिंपल हो जाते हैं। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि आई डोंट नो, कईयों को ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है बट मेरे लिए नहीं, वैसे फेस पे नहीं बट हैंड्स के लिए। कुछ होता है ना, अगर आप उसी टाइम नरिश करना है अपने हाथ सेम टाइम की, हाँ एकदम ड्राई ना दिखे, तो ये दी बेस्ट। देन लिप बाम हिमालय का, आईब्रो शेवर एमरजेंसी के लिए, माय अंडर आई क्रीम जो मैंने खुद बनाई हुई है, ये मैं, मुझे बता देना अगर आप लोगों को अंडर आई इश्यूज है तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर आगे किसी वीडियो में बताऊंगी। पिक्सी का टोनर, ये मैंने अपनी पहली भी किसी वीडियोस में दिखाया हुआ है, ये मुझे इस बड़े टोनर के साथ फ्री आया था। ओके सो इसमें लास्ट दो परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम किट्स रीफिलिंग बॉटल्स है ये एक बॉटल है जिसके नीचे ऐसे पंप, किसी परफ्यूम के ऊपर आप लगाते हो तो उसे पंप करके इसके बीच में परफ्यूम फिल हो जाएगा। जैसे अगर आप बड़ी बॉटल कहीं कैरी नहीं करना चाहते हो तो आप ये छोटी कर सकते हो। दोनों मैंने अमेज़ॉन से ली थी, एक में पंप करके फिल होता है और
एक ऐसे है, इसे यहाँ से ओपन करके फिर फिल होता है। तो मैं परफ्यूम्स और हैंड क्रीम की तो क्रेज़ी हूँ, इसलिए मेरे पास ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। ओके यार, फर्स्ट बैग पाउच खाली हो चुका है। नेक्स्ट, मैं अपने बैग में मोस्टली सब कुछ पाउच में रखती हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मैं रखूँ तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो कहीं दब जाए और मुझे कभी ना मिले। नेक्स्ट आ जाएगा ये मेरा मेकअप किट। ये मुझे कलर बार का, मैंने मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे उसके बाद फ्री मिली थी ये वाली पाउच, क्यूट है ना। तो इसमें पहले आएंगे बेबी वाइप्स, मुझे सिर्फ यही सूट करते हैं, इसके सिवाय हिमालय के मैंने एक बार यूज़ किया बट ये मेरे फेवरेट है। ये शुगर का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र है, जब मैंने मेकअप ना करना हो, जस्ट ग्लिटरी लुक, मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। कंसीलर मेबलिंग का ये यूज़, स्मैश बॉक्स की ये कैन से ऑल इन वन किट, इसका भी लिंक दे दूँगी। ये मैंने अपनी शादी में सिर्फ एक यही किट खरीदी थी और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। माई फॉर एवर फेवरेट, इसके बिना तो मैं कहीं नहीं जाती। शुगर की आईब्रो पेंसिल इन शेड 04, स्मैश बॉक्स फोटो फिनिश प्राइमर, माई फॉर एवर फेवरेट। इसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने पूछा था, दिस इज़ माई सनस्क्रीन फाउंडेशन पप, इसका लाइक फाउंडेशन बेस है। सो अगर मुझे कई बार फाउंडेशन नहीं यूज़ करना, जस्ट नॉर्मल जगह पे कहीं जा रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट। ये ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है, दबा दबा के से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे भी कहीं नहीं मिली। मैं दिल्ली में जहाँ से मैंने अपना लेज़र ट्रीटमेंट कराया था, ये मैंने वहीं से ली थी। सो अगर मुझे मिलेगी या मैं उनसे पूछ के आप लोगों को कभी बता दूंगी, कि काफ़ी बार मुझसे पूछी गई है। सो या क्यूट स्मॉल मिरर, ये मैंने लिया था मिनीसो से। माय आईलैश कर्लर, ये भी मैंने मिनीसो से लिया हुआ है। ओह माय गॉड, मेरा टेबल तो भी भर गया। देन शुगर का आईलाइनर, ये मैं अभी लगाना सीख रही हूँ, अभी भी मैंने यही लगाया हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। या ये पाउच भी ख़त्म। नेक्स्ट, फेस मास्क, आजकल नॉर्मल है ये। माय फेस टॉल, ये मैंने लिया था डीकैथलॉन से, इजी टू कैरी है, छोटा सा हो जाता है बट है ये। नेक्स्ट पाउच, इसमें मेरी टॉयलेट्रीज होती हैं, अगर मैं जैसे ट्रेवल करती हूँ तो उस टाइम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने के लिए ये मस्ट है। पी सेफ का टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे, कौन से है, लेवेंडर, आई लव इट, मस्ट है यार पब्लिक टॉयलेट्स के लिए, मस्ट। हैंड वॉश छोटा सा डेटॉल का, पता नहीं काफ़ी टाइम से पड़ा है और अभी तक चल रहा है। हैंड में, हैंड बैग में अगर आप एक रख लो तो ये काफ़ी ज़्यादा चलता है, क्योंकि हम इतना यूज़ नहीं करते इसे। ओहो, ये लीक कर रहा है, माय गॉड, दिस इज़ अ अल्टीमेट वॉश। ये भी थोड़ा सा ही रह गया। ओके, ये अंबर ऊद का एक रोल ऑन परफ्यूम टाइप है। यस, इसे तो जब मैं पकड़ लूँ ना, मुझे होता है कि मुझे लगाना है, मतलब इट्स सुपर गुड, इट्स लव। इसका लिंक वगैरह तो मुझे नहीं पता, ये मैंने देहरादून ऋषिकेश से लिया था, गंगा घाट के पास एक बहुत ही प्यारी ऊद से रिलेटेड, उसके पास सब कुछ है। ये भी मैंने वहीं से लिया था, एंड अपना ये टी ट्री का ऑयल भी, इसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसे जस्ट हल्का सा जैसे मैंने अभी लगाया है, वो भी जितनी बार मैं इसे देख लूँ बस उतनी बार लगता है ये। सो तीन तो परफ्यूम्स ही हो गए मेरे पास। नेक्स्ट, ये छोटी सी टूथपेस्ट, ऑफ कोर्स मैं ट्रेवल कर रही हूँ, बट ये ना इतने साइज़ की पेस्ट मैं क्या करती हूँ, जब मैं किसी ऐसे होटल वगैरह में जाती हूँ तो मैं वहाँ से कुछ और लूँ, पर मैं ये ज़रूर कैरी करती हूँ, क्योंकि कई बार यार चाहिए होता है इतना छोटा साइज़ है। बड़ी पेस्ट हम कहाँ कहाँ लेके जाए, पर मैं लेके
फिर भी चलती हूँ, मेरे बैग से निकलेगी वो भी, बट ठीक है, ये मुझे अच्छी लगती है छोटी सी ऐसे रखना अपने बैग में. देन सम टैम्पॉन्स फॉर एमरजेंसी. ये डे क्रीम नाइट क्रीम की छोटी छोटी पैकिंग है, ये भी मैंने पैकिंग मिनिसो से लिए, काफ़ी व्लॉग्स में पहले भी दिखाई है, फिर मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में. टेबल पे बिल्कुल जगह नहीं है. अब लास्ट क्रैम्प रिलीफ, इन पीरियड्स में अगर पेट दर्द हो तो गर्ल्स बेस्ट है ये, इसे यूज़ करके देखना, उसी टाइम रिलीफ देगा. ये भी पाउच ख़त्म. ओह बहुत ज़्यादा मेस हो गया, मुझे सारा बाद में समेटना पड़ेगा. ओके अब बैग थोड़ा हल्का हो गया, ऐसे कर लेते हैं. ये मेरी जैकेट है एक, अगर जैसे मुझे ऑन द वे ठंड लग रही है तो मैं इसे अपने बैग में ऑलमोस्ट रखती हूँ. ये आप लोगों ने मेरे जलौजी ब्लॉग में देखी होगी, ये पैक करके छोटी सी हो जाती है, अदरवाइज ये नॉर्मल जैकेट साइज है. आई लाइक इट. मैं इतने में थक गई. नेक्स्ट है ये चार्जिंग केबल, ये मेरे एप्पल वॉच की, एप्पल वॉच का चार्जर है. मोस्टली मुझसे लोग पूछते हैं आपकी वॉच कौन सी, मेरी है वॉच सीरीज 5, तो उसी का चार्जर है. साथ में ये है क्योंकि ये वॉच हमने बाहर से मंगवाई थी. ओके सो फ़ोन का चार्जर आई गेस बाहर ही है. फोर शेड्स. वैसे मेरे पास सिर्फ एक होता है या हार्डली दो, वो भी दूसरा भी मैं स्पेक्स होंगी, बट इस टाइम ऑफ कोर्स हम ट्रेवल कर रहे हैं तो ये दो मेरे हस्बैंड की है एंड ये दो मेरी है. एंड दोनों आई गेस, जस्ट अ सेकेंड मैं दिखाई दूँ. बहुत हैवी हो जाता है ये. आप लोगों ने मेरी इंस्टा कुछ तो गिराऊंगी आज मैं, मेरे इंस्टाग्राम पिक्चर्स में काफी बार ये शेड्स देखे होंगे. आई एम सो इन लव, दीज आर टू गुड. एक ये है एंड ये उससे भी बड़े हैं. ये दोनों शेड्स ऑल्डो से लिए हुए हैं, ट्राई करते रहना वहां पे शेड्स पे, ज्वेलरी पे, मे बी समटाइम सॉक्स पे 50% लगता रहता है. सो अच्छे डिस्काउंट पे एंड अच्छी कलेक्शन पे, बट वहाँ पे ये होता है कि पीस बहुत छांटने पड़ते हैं, जल्दी नहीं मिलते. हस्बैंड वाले मैं नहीं दिखा रही, ये मैंने पूछा नहीं था. नेक्स्ट एक और मास्क, ये आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बैग में बहुत सारे रखने पड़ते हैं. ओके सो गर्ल्स, ये बहुत मस्ट चीज़ है, मैंने काफ़ियों को देखा है कि वो अपने बैग में नहीं रखते. अगर हम कहीं भी जाते हैं, ट्रेवल करते हैं या नॉर्मल में भी हम कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सो ये भी मैंने फॉरएवर से लिया था. ये ऐसे छोटा सा पाउच है, बट अगर हम ऐसे से बड़ा करते तो ये पूरा एक पॉलिथीन टाइप कैरी बैग टाइप बन जाता है. क्योंकि हम क्या करते हैं, मोस्टली जाते हैं कहीं से भी, कुछ भी प्लास्टिक के बैग लाते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करो सर, ऐसा एक बैग ज़रूर लो. आई एम सॉरी, अभी मैं ऐसे ही रखी जा रही हूँ कि सामान इतने, अगर मैं सबको साथ साथ सेट करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो इट्स एडवाइस कि आप लोग भी ऐसा एक बैग अपने कैरी बैग में रखा करें कि आपको प्लास्टिक बैग यूज़ करना ना पड़े. ओके सो नेक्स्ट मैं सिरम, L'Oreal. गर्ल्स काफ़ी बार मुझसे पूछती हैं अपना हेयर केयर बता दो, हेयर रूटीन बताऊंगी, उसकी भी एक्चुअली मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से कह रही हूँ कर रही हूँ, बट यार मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा. बट या ये मैं यूज़ करती हूँ, इसका भी मैं लिंक नीचे दे दूँगी, बहुत अच्छा है, ट्राई करके देखना. नेक्स्ट ये मेरी बिल्कुल नहीं है, ये मदर केयर की क्रीम है जो मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, बिकॉज ये बहुत लाइट, या लाइट मॉइस्चराइज़र जैसे होता है, ये वैसी में है, इसलिए उनका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो और कोई क्रीम नहीं यूज़ करते, इसलिए
ट्रैवल कर रहे हैं, फ़ायदा उठाया जाता है, सब कुछ मेरे बैग में ठूसा जाता है। सो ये हमारा ब्रश स्टैंड है, जैसे कि मैंने बताया था, बड़ी पेस्ट भी मैंने रखी होती है, पर ठीक है, छोटी रखनी चाहिए। ये आई गेस मैंने अमेज़ॉन से लिया, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट माई कॉम, ये वेगा की है और ये मैंने ली थी Forever 21 से। ये मैं यूज़ करती हूँ फॉर स्लीक हेयर स्टाइल जब बनाया होता है। इस पर एक्चुअली मैं डायरेक्ट हेयर स्प्रे नहीं लगाती अपने बालों में, इस पर स्प्रे करके एंड देन आई ना, मोस्टली आप लोगों ने मुझे पोनी टेल में देखा होगा तो मैं इससे स्लीक रखती हूँ, अदरवाइज़ वो जो छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं ना वो पुक करके बाहर आ जाते मेरे। तो एक और हैंड क्रीम, इतनी हैंड क्रीम यार, अब तो मुझे भी हो रहा है यार, मैं इतनी रखती हूँ। ओके, एक मैंने ये ऐसे, जस्ट अ सेकंड, लोग ऐसे समझ नहीं आएगा, इट्स अ रबर बैंड जो छोटे छोटे बच्चों के बालों में डालते हैं। ये मैंने अपने बालों में नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे रबर बैंड बालों के लिए नहीं यूज़ करती हूँ, बट अगर मैंने दो ब्रेड्स की हूँ या दो पोनीज़ की हूँ, पोनीज़ पे भी नहीं मैं यूज़ करती, पर अगर दो ब्रेड्स की हूँ तब मैं इसे यूज़ करती हूँ, या कोई जैसे ना पैकेट बंद करना हो तो ऐसी मैं अपने बैग में रखती हूँ। ये भी मैंने मिनीसो से ली थी, बट मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे क्यूट लगी है इसलिए मैं अपने पास रखती हूँ, काम आई गेस मुझे 3-4 बार ही आई होगी, ऑनेस्ट रिव्यू। एंड देन माई कार्ड होल्डर, ये वुडलैंड का है। सो मैं अपने कार्ड्स ट्रैवल करते हुए मैं सिर्फ अपने कार्ड्स कैरी करती हूँ, अपना कैश वाला पर्स बिल्कुल नहीं लाती, पति साथ में क्या ज़रूरत है, मत लाया करो। नहीं नहीं वैसे मैं रखती हूँ बट इस बार नहीं है क्योंकि कैश मेरा नहीं लाई हूँ। देन एयरपॉड्स, ये मेरे नहीं हैं, मेरे पति के हैं और मेरे घर पर हैं, ट्रैवल करते हुए ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे बैग से सामान इतना बाहर आ गया कि सब कुछ गिर रहा है अब टेबल से, टेबल बेचारा इतना सा है, मैंने अपने होटल रूम टूर में दिखा दिया है लास्ट व्लॉग में, तो आप चेक कर सकते हैं टेबल कितना सा है। ओके, एंड काफ़ी लोग मोस्टली मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी लिप शेड लगाते हो, तो मोस्टली यही वाला लिप शेड होता है मेरे पे, बहुत लाइट सा ब्राउन में यूज़ करती हूँ अभी तो, आई गेस मैं सारा खा चुकी हूँ। ये है, ये कहाँ है, इसका सारा कुछ उतर चुका है, इस पर कुछ नहीं लिखा, बट ये नायका का है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लगाने में भी बहुत सॉफ्ट है, लिप्स आई थिंक इसे ये ख़राब नहीं करता। देन हुडा का ये लिप लाइनर, मैं इन दोनों का कंट्रास्ट करती हूँ इसे आउटलाइन पर लगा के, एंड देन बीच में वो लिपस्टिक, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक और परफ्यूम, ये आई गेस एक लौती बॉटल है जो मैंने बड़ी रखी हुई है अपने बैग में, ये है एलिजाबेथ आर्डन का, एंड मेरे दो ही फेवरेट परफ्यूम्स हैं, एक ये और एक ज़ारा का न्यूड, उसकी मैंने छोटी पैकिंग लेके आई हुई हूँ, बड़ी बॉटल्स तो दुलाना इट्स नॉट पॉसिबल, हाई ना कहीं गिरे टूट जाएगा। नेक्स्ट अगेन हैंड क्रीम, ये वही कोको ग्लो का एक थोड़ा बड़ा पैक है, इतनी हैंड क्रीम मैं क्या करती हूँ। ओके, एक मैं ऐसा ही पाउच रखती हूँ, इस पाउच में ऑल टूल्स बहुत काम आता है, मम्मियाँ कह देती हैं कोई काम नहीं आता, मैंने अपनी शादी पे लिया था, मेरी मम्मी ने भी कहा था ये क्या है फालतू, कोई ज़रूरत है इसकी, बट ट्रस्ट मी गर्ल्स बहुत काम आता है, अपने बैग में रखा करो, मस्ट है यार, ये टेबल पर जगह ही नहीं है अब। ये स्पॉन्ज यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओके, लास्ट पी सेफ का स्टैंडिंग,
बहुत जरूरी है ट्रेवल करते यार, ये होना चाहिए। आई डोंट नो, मैंने काफ़ी बार जैसे किसी को गाइड करती हूँ, दे वॉज लाइक वाई यू यूज दिस, इट्स नॉट गुड, वाई नॉट, लड़के खड़े होके कर सकते हैं, लड़कियों को क्या दिक्कत है भाई, यूज दिस, इट्स टू गुड। मेरे पास ये लास्ट दो पीस रह गए, मुझे नया मंगवाना पड़ेगा। इसका लिंक भी मैं आपको अमेजोन से लिया है मैंने, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैं खुद इसे ऑर्डर करूँ, ख़त्म हो गया है। ओके भाई थक गई मैं, एम्प्टी, एंड एक मैं बैग के ऊपर हमेशा एक क्लच लगा के रखती हूँ, कभी भी जरूरत पड़ जाती है। माय गॉड, मैं व्लॉगिंग करूँ तो मैं कभी इतना नहीं थकती, पूरा दिन ट्रेवल करती रहूँ एंड ऑल, बट ऐसी सिटिंग वीडियो और वो भी इतना सारा मेस क्रिएट करके जहाँ पे मुझे बाद में सब कुछ समेटना है, इट्स नॉट ईजी। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कर देना इफ यू लाइक दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, इतने व्यूज आते हैं वीडियो पे बट सब्सक्राइबर्स कम, क्यों भाई, क्या जाता है, सिर्फ बेल आइकन प्रेस करो साथ में, सब्सक्राइब करो, फिनिश। ओके, आप लोगों से मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन लव यू, टेक केयर। बाय बाय। क्या हुआ? पानी चाहिए। रिसेप्शन पे कॉल करो। उधर बुबु, आई एम मेकिंग वीडियो ना, प्लीज। बट तो कट करके नहीं ना लेना। बहुत गंदा बच्चा है। अच्छा बस, मेरे बैग में दो सामान रह गए, गिव मी 2 सेकेंड्स, ओके।